Joining us here on NDTV is Mr. Avinash Sable, who is the silver medal winner at the Commonwealth Games 2022 for steeplechase. Thank you for joining us, Mr. Avinash. Thank you. You missed the gold by 0.05 seconds, but it's of course a historic win for India. You know, how was it like, you know, to beat the Kenyans for you on the track? देखो मतलब ये जो फर्स्ट और सेकंड के बीच का जो फासला है ये मतलब बहुत कम है, जैसे मतलब 0.5 मतलब 0.05 मतलब बहुत ही ये कम है। मतलब उस टाइम पे मुझे ये लग रहा था कि शायद मैं जीत सकता हूँ गोल्ड, और थोड़ा बहुत वो जो कैलकुलेशन था मेरा कि मैं कब रेस को फास्ट करना चाहिए, मुझे लगता है यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी सी मेरी कमी रह गई है। और देखो फिर भी मुझे मतलब बहुत खुशी है कि मैं देश के लिए इस इवेंट में मेडल जीता हूँ, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी, बिकॉज यू नो इंडिया हैज़ नेवर वन राइट अ मेडल फॉर स्टीपलचेज, बट व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी हियर? डिड यू हैव प्रेशर दैट यू हैव टू विन अ मेडल? देखो मतलब इस इवेंट में मैं ऐसे लग रहा था कि मतलब इतना आसान नहीं, क्योंकि मैं 2018 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है उसके लिए मैं क्वालिफाई भी नहीं कर पाया था, तो मैं उसमें नहीं जा पाया था, तो सबको था कि इस इवेंट में मेडल इतना आसान नहीं है और हम नहीं जीत सकते, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि हम मेडल नहीं जीत सकते। मैं जाते समय ये सोच के गया था कि नहीं, मुझे केनियंस को बीट करना है, और देखो उस समय मैं ये नहीं सोच रहा था कि मुझे गोल्ड जीतना है या मुझे सिल्वर जीतना है या मुझे ये, लेकिन मुझे बस ये था कि मुझे कोई भी वांट टू बीट द केनियंस, दैट वाज द ओनली थिंग ऑन योर माइंड। ओके, हाँ मतलब मेरा मेन फोकस था कि मुझे केनियंस को बीट करना ही करना है, एक को भी करना है तो करना है, अगर मुझे मेडल जीतना है तो इनमें से किसी को भी बीट करना पड़ेगा, तो मैं उस हिसाब से रेस में जा रहा था। ओके, व्हाट वाज योर ट्रेनिंग लाइक, यू नो एस्पेशली आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हेन यू वर ऑन द ट्रैक, Were the Kenyans surprised at the mix that your presence there? देखो रेस स्टार्ट हुई जैसे हम स्टार्टिंग लाइन में भी थे, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने मुझे उसमें काउंट भी किया होगा कि ये हमारे बीच में आ सकता है। क्या होता है पता है, सभी आज तक जितनी रेस हुई है मतलब पिछले बहुत सारी कॉमनवेल्थ गेम्स में, वो तीनों एथलीट्स अपना रेस लेके जाते और फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो जाते ईजिली, तो आपस में ही फाइट होती है उनकी फाइट ये नहीं होती, उनको वो जब आते हैं ना वो ये सोच के आते हैं कि हमारा मेडल है ही, लेकिन बस उस कलर को अप डाउन करना है, जो भी होगा उनके अंदर होगा, तो उन्होंने कभी सोचा नहीं कि हमारे अंदर कोई मिक्स होगा। तो रेस स्टार्ट हुई, पहले 2 किलोमीटर हुए तब भी मैं पीछे था, लेकिन 2 किलोमीटर के आसपास उनको मुझे लगता है कि प्रेशर हो गया था, 2 किलोमीटर या 1600 मीटर के बाद कि नहीं, वो पीछे देखने लग गया था कि नहीं पीछे देख रहा है, तो मुझे महसूस हो गया था कि इनको थोड़ा सा ये लग रहा है कि कोई ना कोई पीछे है, तो उनको डर लगने लगा था, उनमें से जो एथलीट थे वो पीछे देखने लगे थे। सो यू सॉ द फियर? हाँ, तो वो मुझे देख रहे थे पीछे पीछे मुड़ के, तो दे हैड द फियर इन द फेस दैट यू विल रेस देम। हाँ, तो मतलब उनको लग रहा था कि अब ये हमारे साथ, मतलब तब भी उनको नहीं लग रहा होगा, लेकिन जो लास्ट 500 मीटर रेस बची थी और वाटर जंप से ही मैं जो 2 एथलीट थे उनको मैं ओवरटेक करके आगे चला गया, तो तब उनको शायद शौक लगा होगा 2 को, तो लेकिन जो फर्स्ट पे चल रहा था वो फिर भी गैप बना के चल रहा था, लेकिन जब मैं लास्ट 300 मीटर जब बची थी रेस 250 मीटर, तो मैं जब उनके नज़दीक आया उसके नज़दीक, तो वो भी मतलब एकदम सा ये हो गया ऐसे देख के कि अब करना क्या है, तो उसने मुझे नहीं लगता कि कभी उन एथलीट्स ने सोचा होगा कि हमें इंडियंस कभी इस इवेंट में फाइट कर सकते हैं, और देखो वो कभी नहीं सोच के आए थे। They would have clearly thought, yes, just like you said, that Indians would, you know, they wouldn't have thought that Indians can win or race to the finish. But I want to ask you this. You said that you saw the fear in their face when you were racing. Did you feel intimidated, you know, when you were there at the racetrack? मतलब देखो जब लाइन पे खड़ा हुआ था तो मुझे मेरे दिमाग में कोई चीज़ नहीं घूम रही थी, मुझे बस एक ही चीज़ घूम रही थी कि मुझे इनको बीट करना है, मुझे उस रेस में कितनी एंट्री ये भी मुझे कोई मतलब नहीं था, मुझे बस ये था कि वो तीन ही दिखते थे मुझे उस रेस में, कि मुझे ये तीन है बाकी कोई हो, मैं किसी को नहीं देखा, मुझे ये था कि इन तीनों को बीट करना है, और उन्होंने शायद किसी को नहीं देखा, और was it tough? हाँ मतलब देखो मुश्किल तो था, मतलब मुश्किल ही था, क्योंकि जब कोई
सोच भी नहीं सकता उस रेस में कि हम किसी कोई एथलीट केनियंस को हरा सकता है उस इवेंट में। और मतलब वो चीज़ हुआ उनके साथ हुआ था, उनको भी सरप्राइज ही हुआ है। यस ऑफ कोर्स। डू यू थिंक योर ट्रेनिंग इन द आर्मी, ओके, बीइंग इन द आर्मी एंड देन बीइंग पोस्टेड इन सियाचिन हैज हेल्प्ड यू हियर, एंड आल्सो व्हाट वाज योर ट्रेनिंग लाइक स्पेशली इन द अब्रॉड? देखो, पहले तो मेरा जो आर्मी का ट्रेनिंग था, पहले मैं जब आर्मी में ज्वाइन किया था तो जो ट्रेनिंग था वो इतना हार्ड ट्रेनिंग होता है, तो उस ट्रेनिंग ने मुझे इतना मजबूत बना दिया। जैसे उसमें भी देखो, ये वाटर जंप यहाँ होता है, वहाँ पे भी एक 9 फीट डिच होता है, तो उसमें वो ये तो चलो मैं ऐसे कूद रहा हूँ जैसे दौड़ के आके, उसमें क्या है आपको वेट के साथ कूदना होता है, आपके साथ आपका वेपन्स भी होगा, तो उसके साथ आपको 9 फीट डिच पार करना है। तो मुझे ये इवेंट ईजी लगता था जब मैं आया, वो वहाँ की ट्रेनिंग में मुझे बहुत, देखो मैं आर्मी में ज्वाइन किया, मैं मतलब हर जगह पे पोस्टिंग रहा, 4 साल मैंने आर्मी में जो एक सोल्जर की ड्यूटी होती है वो पूरी ड्यूटीज़ की मैंने, तो उस ट्रेनिंग ने मेरे जो माइंड को जो मजबूत किया ना, पहले तो मुझे फिजिकली तो मजबूत किया ही किया, लेकिन जो ट्रेनिंग ये आपको इतना मजबूत बना देती है कि आपको जब आपके साथ ऐसी कोई चीज़ हो रही है, आप हार रहे हो, जैसे मैं उस रेस में 4th नंबर पर भाग रहा था, जब कोई उम्मीद नहीं कर रहा था और मैं भी नहीं कर रहा था, देखो मैं उम्मीद तो कर रहा था कि मैं मेडल जीतूंगा, लेकिन वो एक टफ टाइम होता है जहाँ 3 भाग रहे और अच्छे भाग रहे, और जब मैं उनके पीछे भाग रहा हूँ, लेकिन मेरा जो ट्रेनिंग है आर्मी का उससे मुझे इतना मजबूत बना दिया था कि वो डिसीजन लेने के लिए या सोचने के लिए नहीं, हम भी इसमें मेडल जीत सकते हैं, कोई ना, चलते रहो, ये पोजीशन चेंज हो जाएगी थोड़ी देर बाद। और मुझे आर्मी की ट्रेनिंग का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और एक बात जो है, मतलब मैं पिछले 4 महीने से यूएसए में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मुझे वहाँ पे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वहाँ पे भेजा, मतलब एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने, टॉप्स ने मुझे सपोर्ट करके वहाँ भेजा मुझे ट्रेनिंग के लिए, तो उस ट्रेनिंग का मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि मैं जब यहाँ बेसिकली ज़्यादातर मैं बेंगलोर में प्रैक्टिस करता था और भी करता था, मतलब जहाँ पे भी, तो मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं मतलब जीत सकते हैं, हम इनके साथ कंपीट कर सकते हैं, हम अपना पर्सनल बेस्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं, जैसे कि हर बार होता था हम रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ हम पोडियम पे फिनिश नहीं कर सकते, ये लगता था। लेकिन वहाँ जाके मुझे ये लगने लगा कि नहीं, हम सिर्फ रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर सकते, हम मेडल भी जीत सकते हैं इनके साथ। तो मुझे उस ट्रेनिंग का बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत मतलब क्या बताओ, मेरे एक सोच चेंज हो गई, और उस ट्रेनिंग ने मुझे उस काबिल बना दिया कि जैसे मैं उनके साथ फाइट कर रहा था, तो वो उसी ट्रेनिंग का ये है। देखो यहाँ भी मैं ट्रेनिंग करके उनके साथ कम्पीट किया पिछला वर्ल्ड चैम्पियनशिप, तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि आप आगे लीड करो या इनके साथ फाइट करो या लास्ट में आप उनके साथ फाइट करें, उनको उनके आगे आ रहे हो। सो व्हाट इज दैट वन एनकरेजिंग एडवाइस यू वांट टू से टू अपकमिंग एथलीट्स? देखो मेरा यही कहना है, मतलब जो एथलीट्स हमारे हैं, यूथ एथलीट्स हैं, आने वाले एथलीट्स हैं, जैसे हम भी पहले सोचते थे कि हम सिर्फ पार्टिसिपेट करने जाना है किसी बड़े कंपटीशन में, या सिर्फ मुझे ओलंपिक्स खेलना है, मुझे ये लिखाना है कि मैं ओलंपियन हूँ, तो ऐसे हम सोचते थे पहले कि बस हम ना ओलंपिक्स तक पहुँच जाए, या किसी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, सबसे पहले जब मैं ये था तो मुझे लगता था कि सिर्फ मैं मुझे इंडिया का किट पहनने को मिले मुझे बस, तो वो सोच चेंज हो रही है। देखो आने वाले एथलीट्स को यही कहना है, देखो आप किसी भी इवेंट में, किसी भी गेम में आप मेडल जीत सकते हो, ये नहीं कि आप इस कंट्री में, ये इस गेम में ये कंट्री बहुत स्ट्रांग है हमारे से, और इस कंट्री को इस गेम में हराना मुश्किल है, जैसे कोई ये बोल रहा है कि ये गेम में इस कंट्री को कोई हरा नहीं सकता, जैसे केनिया को लॉन्ग डिस्टेंस में बोलते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस मैराथन में कि नहीं हो सकता, तो मुझे लगता है किसी भी गेम में हम कम हैं, हमारी जब हमारी गवर्नमेंट हमें इतना सपोर्ट कर रही है, हम इतने मेहनत करने के काबिल है, हम इंडियंस मतलब मेहनत करने में तो हम कहीं कमी नहीं है, तो हम उनसे जीत क्यों नहीं सकते? तो मुझे उनको यही कहना है कि आप उनके साथ फाइट कर सकते हो, आप उनके साथ जीत सकते हो, आप उनसे कम नहीं हो, आप ये अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दो कि उनके पास नेचुरली जीन्स उनके बहुत अलग है हमसे, और वो हमसे बहुत अलग कर सकते हैं, नहीं है, हम भी कर सकते हैं, उनको फाइट कर सकते हैं और हम जीत सकते हैं। व्हाट नेक्स्ट अविनाश, व्हाट नेक्स्ट? यू वन द मेडल, नाउ व्हाट नेक्स्ट? देखो पहले तो इस मेडल को जो जीता है उसको जल्दी भूलना है,
और आगे का जो कंपटीशन है वर्ल्ड चैम्पियनशिप आएगा, और मेन देखो एशियन गेम्स भी अगले साल, लेकिन मेरा मेन फोकस रहेगा जो पेरिस ओलंपिक्स है, कि पेरिस ओलंपिक्स में मुझे कुछ भी हो मुझे मेडल जीतना है। तो मेरा मेन फोकस रहेगा कि वो एक जो हमें सामने एक टारगेट होता है, देखो रास्ते में जो आएगा वो मुझे लेते जाना है और वो जीतना है, लेकिन मुझे मेन ये है कि 2024 का जो ओलंपिक्स है उसमें मुझे देश के लिए देखो मेडल कोई भी हो मेडल मेडल होता है। हमारे कंट्री में क्या किया जाता है, सिर्फ गोल्ड आया तो उसको सोचते कि गोल्ड ही गोल्ड है, देखो गोल्ड नहीं है सिर्फ मेडल मेडल होता है। और हमें ये सोच चेंज करनी है। ये देखो वहाँ किसी भी लेवल पे एथलीट आते हैं तो वो कोई कम एथलीट नहीं आता, देखो वहाँ से वर्ल्ड में जो बेस्ट से बेस्ट एथलीट आते हैं, तो देखो मेडल जीतना है कोई भी। और हमारे कंट्री में थोड़ा सा ये होता है कभी कभी कि सिर्फ गोल्ड को जाना जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये करना चाहिए। देखो मेडल होता है, आपको पोडियम पे खड़ा, मेरा तो ये टारगेट है, देखो वो उस दिन में कोई भी मेडल जीतो, मैं ये नहीं बोलता कि मुझे गोल्ड जीतना है, या उस दिन मेरा कोई भी ये हो, मेरा मेन फोकस रहेगा कि मुझे मेडल जीतना है, और उसके लिए मैं जो भी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी जितना मेरे से होगा मैं, देखो जैसे हर एथलीट अपने लाइफ में बहुत कुछ सेक्रीफाइस करता है, मेहनत करता है, तो मेरे अंदर जो भी कमी है, मुझे जो ये टाइम मिलेगा 2 साल का, तो मुझे या जो मेरे साथ मुझे सपोर्ट जैसे मिलता है साई का, गवर्नमेंट का जो स्पॉन्सर है, तो मेरे जो कोचेस है वो मेरे लिए जो प्लान करेगा उसको मुझे आग बंद करके फॉलो करना है कि हाँ मुझे बस एक देखो एक घोड़ा जैसा ये होता है उसके आँखों में ये लगाए, हाँ हाँ तो हाँ तो मतलब उस तरह से मुझे बनना है। लेकिन घोड़े को चलाने वाला कोई और होता है, घोड़ा तो सिर्फ मेहनत करता है या भागता है, तो मुझे भी वही ऐसे बनना है, सिर्फ मुझे मेहनत करनी है, बाकी चीज़ें देखो हमें बहुत सपोर्ट मिलता है, और इतना सपोर्ट मिलने के बाद तो मुझे लगता है कि हम आसानी से उस टारगेट को हासिल कर सकते हैं। You can achieve that. Well, thank you so much, Avinash, for speaking to us. In fact, that's his story. He tells that, yes, of course, it's the army training that's helped him, and also the training, the key strategy that's helped him beat the Kenyans, what he call it, not about winning the medal, but beating the Kenyans, especially to do with the international training. That's all that he credits to at this moment. But of course, you know, sending out a word of advice to the upcoming athletes, it's all, you know, it's just a grit and determination that takes for you to achieve the goal. At Sports Authority of India, Bangalore campus, with camera person Govind Murthy, Shrija for NDTV.